अधिकतर बेटी मैके में ससुराल वालों की या शौहर की शिकायत करे, जो कि बहुत आजकल होता है ना, मतलब फोन की वजह से हर वक्त हर चीज कुछ हो जाए, चीख दूसरे कमरे से भी सुन ली तो माँ को बतानी है ना, किसी को भी, फ्रेंड्स भी माशाल्लाह से। तो खैर जी, सवाल है कि अगर बेटी मैके में ससुराल वालों की या शौहर की शिकायत करे तो क्या करेंगे। पहली ऑप्शन ये है कि खामोश रहने का मशवरा देंगे कि अभी बस देखती जाओ। दूसरा है कि फौरन उसके ससुराल जाएंगे और उनसे जवाब तलब करेंगे। और तीसरा ये है कि दोनों तरफ से बात सुने और फिर फैसला करें। दोनों तरफ से बात सुननी चाहिए। ऑप्शन सी, डेफिनेटली। मुझसे कभी ऐसी बात हुई नहीं है कि उसने की, क्योंकि वो अलग रहती है, ससुराल यहाँ है। लेकिन मैं ये सिचुएशन आपकी ये है कि इसमें से क्या ऑप्शन आप? हाँ, यही होगा कि दोनों तरफ से बात हो, क्योंकि कभी इतना इजाज़त नहीं दें बच्ची को, क्योंकि वो छोटी है, अपनी तरफ से बात ही कहती है, अभी उसकी इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, तो बातें सुने। अगर उसकी बात से पूछना चाहिए ससुराल वालों से कि भी क्या ये बात है, यानी कि तीनों ने कहा कि दोनों तरफ की बात सुने फिर आप फैसला करें। अगला सवाल ये कि अगर बहू सुबह देर से उठने की आदी हो तो क्या किया जाए। तीन ऑप्शन, उसे सोने दिया जाए। ये कितनी मजे की ऑप्शन है जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन ऑप्शन में फिर भी आपको देती हूँ। उसे बोलेंगी कि हमारे घर में सब जल्दी उठते हैं, आप भी जल्दी उठा करें। दूसरी ऑप्शन ये है कि शुरू में कुछ नहीं कहेंगी, बाद में आप उसको समझा देंगी। और फिर तीसरी ऑप्शन ये है कि दूसरों की बहू की मिसालें देंगी कि देखो वो तो कितनी जल्दी उठती है। वक्त नहीं, नहीं हम नहीं सोए, नहीं मैं तो आपके बीच से हैं कि बाद में समझा देंगे, बाद में समझा के साथ। लेकिन आप किसी को इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते कि जल्दी सो या जल्दी उठो। हाँ, बाद में आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है हमारे घर के माहौल को देख के वो एडजस्ट हो जाए। टाइम देना चाहिए, डिपेंड करता है ना, टाइम देना चाहिए। सोने देंगे, सोने दें, कोई ट्रेनिंग स्कूल। ये डी ऑप्शन थी और आप भी सबर और शुक्र कर। ये तो फिर एक अल्टीमेट आ गई, ये डी से भी आगे की फिर ई की ऑप्शन चली गई। अच्छा जी, बेटी अगर रोज लंबी लंबी फोन कॉल्स करे तो फिर आप उसे क्या मशवरा देंगी। पहला ये है कि रोज इतनी लंबी कॉल्स ना करो, अपने घर पे तवज्जो दो। दूसरा ये है कि मजे लेकर बातें सुनेंगी और अगले दिन फिर कॉल करने का कहेंगी कि हाँ चलो बाकी बातें कल करेंगे, अपडेट देना मुझे। अच्छा, तीसरा ये है कि उसे कोई हॉबी या काम तलाश करने का कहेंगे जिससे उसकी तवज्जो इन बातों से हट जाए। आपसे पहले भाई, मैम मसरूफ है, हम इतना लंबा सबसे मजे की बात है इन सब की अपनी ऑप्शन आ रही है कि नहीं, टाइम नहीं है। अब तो वही पॉइंट है, आएगा तो ये है कि मेरी बेटी के पास भी टाइम नहीं है और मेरे पास भी टाइम नहीं है। वो सिर्फ मुझे फोन करती है कि अम्मा फलां चीज की रेसिपी बताते हैं, आज फैसल ने कहा ये बनाना है और मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, उसमें आप मुझे बता दें। और मैं काम में बिजी होती हूँ, मैं बता ही नहीं सकती। और वो दूसरे दिन कहती है अम्मा मैंने बना ली। मैं कहा बेटा मैंने 5 मिनट बाद तो आपको भेज दी थी, अम्मा मेरे पास इतना भी टाइम मैंने बना ली। अच्छा, लेकिन जो आपके मतलब फैंस आपको देख रहे हैं वो आप लोगों से रहनुमाई लेना चाहते हैं, वो मैं तो पॉइंट ए पे हूँ। आप पॉइंट ए पे, आप कहेंगे कि इतनी लंबी लंबी बातें मत करो, तवज्जो दो अपने काम पे, क्योंकि टाइम तो किसी के पास नहीं। लेकिन इस ऑप्शन में से ऑप्शन ए। अच्छा, आप लोगों को क्या बताएंगे इसमें से कौन सी ऑप्शन देनी चाहिए लोगों को? क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन? एक तो है ना कि जी इतनी लंबी कॉल्स ना करो। नहीं नहीं नहीं, आप अभी अटकी हुई है देर से सोने, वो अभी तक उनको वो ही ना कि लंबी लंबी बातें ना। नहीं भाई, अपने घर को देखो, अब हमें अपना घर देखने दो, टाइम निष्ठा। ये ऑप्शन दी आपके, वैसे लोगों के लिए ऑप्शन क्या थी? इसी लोगों को मशवरा कह देंगे कि इसको हॉबी और काम तलाश करने का कहेंगे कि बेटा जरा ध्यान बटाओ अपना। चलो भाई, आम आम सबको। हाँ, मेरे ख्याल में कि सबको आजकल मसरूफ होना चाहिए और जितने फर्द हैं सबको कमाना चाहिए। हाँ, तो उस पे तवज्जो दो भाई, बहुत मुश्किल ताकि हालात बहुत महंगाई है, ताकि हालात अच्छा हो, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो। हाँ। अच्छा जी, बेटा अगर बहू को ज्यादा शॉपिंग करवाए तो फिर क्या कहना चाहिए? आम लोगों के लिए भी बताई गई कि हर वक्त बढ़ती महंगाई का जिक्र करते रहें कि बेटा देखो कितनी महंगाई हो गई है। उनको समझाएं कि जिम्मेदार बने, अपने मुस्तकबिल के लिए पैसे जमा करें, सेव फॉर द रेनी डेज। और तीसरा ऑप्शन ये कि अपनी शॉपिंग लिस्ट में थमा दें कि चलो निकले थे तो मेरे लिए भी ले आना। मैं तो बी पे जाऊंगी, आप बी में जाएंगे? बी पे जाऊंगी, अगर इसी के जवाब देने तो फिर बी के साथ। बी के, ठीक है। क्या बी का? क्या बी ये था ना कि उनको समझाएं कि जिम्मेदार बने, जिम्मेदार बने, सेविंग करें। मैं आपको बताऊं, आजकल की लड़कियां जो है ना वो बहुत समझदार है, उनको पता है कि किस हद तक का। लेकिन हम अपना क्या पार्ट प्ले करें उसके हिसाब से हम बता रहे हैं। लेकिन वो कहें भी तब ना जब वो कर रही हूँ फजूल खर्ची। हाँ हाँ, मेरे मामले मेरी बहू बेटी
ये सब फजूल खर्च नहीं है बिल्कुल भी, ये एक चीज बहुत अच्छी। लेकिन बाकियों के मशवरा देना चाहिए कि चले जी जरा सेव करें, क्योंकि हालात बहुत बुरे हैं बहुत, और आगे आगे पता नहीं क्या होने वाला है। न्यूज किया वाकई 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 हर फर्द को कमाना पड़ेगा भाई। अच्छा जी, शादी के बाद बच्चों को पहली ऑप्शन उनके हाल पे छोड़ दें, दूसरी उनकी हर बात में अपने तजर्बे के मुताबिक उनको मशवरा दें, तीसरा ये कि जहाँ वो कोई बात शेयर करना या मशवरा मांगना चाहें वहाँ दें, वरना उन्हें जिंदगी गुजारने। पॉइंट सी, पॉइंट सी, बिल्कुल। जब मशवरा देने का वक्त, इतने तजुर्बे के बाद आज मैंने ये सीखा बिला वजह की टांग नहीं अड़ाए किसी बात में। नहीं, वो बिला वजह की टांग नहीं होती, आपका तजुर्बा होता है जिंदगी का, और आपका घर होता है जिसे आपने बड़े प्यार से बड़ी मेहनत से बनाया होता है, उसूल बनाए होते हैं जिंदगी के, क्योंकि घर भी एक आप समझें कि वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ से बच्चे आपके निकले हैं कामयाब होकर, तो वो इंस्टीट्यूट आपने बनाया। लेकिन अगर हम कुछ ज्यादा बोलते हैं नहीं, तो ये सास वो है जो कहती बच्चे गए जाओ जाओ जाओ। मैं इस चीज की कायल नहीं हूँ कि आप समझाएं जरूर, ठीक है, लेकिन अगर सामने वाले को लग रहा है कि ये तजुर्बा जो है ना ये मुझ पे लागू नहीं होता, तो आप पीछे हट जाएं, बजाय इसके कि खराबियां पैदा हो आप पीछे हट जाएं। यानी कि सबका यही था कि जहां वो की बात शेयर करना मशवरा चाहें तो चाहें तो जरूर दें, वरना खामोश रहेंगे। आप अपनी हदूद से तजावुज कर रहे हैं, तो आजकल ये भी लोग फोन करने लगे ना जी आप हमारी प्राइवेसी को इनवेड ना करें, तो आजकल ये भी जरा मसला आ गया है कि हमें समझ नहीं आ रही। आपको नहीं पता ना, आपको नहीं पता, तो यही होता है कि आदमी ठीक है जब मशवरा मांगे, जवाब यही होता है आपको क्या पता, एक झपड़ आदमी मारे और कहे अच्छा हमें नहीं पता तुम्हें पता है, अब बढ़ जाएगा परवीन आप झपड़ वाली। मुझे ये बताएं, ये जो हमारे पास फोन्स आ गए थे कि टेक्नोलॉजी का फायदा तो बड़ा है, लेकिन ये जो इस फोन्स की वजह से भी बड़े फसादात शुरू हैं, क्योंकि पहले जो चीज घरों में रह जाती थी घरों में, एक सेकंड में आप रिएक्ट करते हैं, तो आप रिएक्ट भी करते हैं, और आपकी जो घर की बात होती है फौरी तौर पे, मतलब वो चीज़ें बेडरूम से बाहर निकलनी चाहिए, आप उसको सोशल मीडिया पे भी ठक और किसी का इमेज खराब करना या अच्छा करना बस इसी चीज़ से होता है। बैकग्राउंड किसी को पता हो ना हो, अगर कोई किसी के लिए फेक भी बोल रहा है झूठ भी बोल रहा है किसी के करेक्टर के बारे में, यकीन हो जाता है लोगों को, कुछ पता तो होना चाहिए कि ये कैरेक्टर कैसा है। ड्रामों में भी ऐसे करती है तो ये ऐसी बाकी बोल को एडवांटेज होता है, जो गलत बातें करते हैं उनके लिए एडवांटेज बन जाती है हमारी बात से, बाकी ना कि लोग हैं कि अच्छा जी यहाँ सही बात है भाई, ये तो ड्रामे में भी देखो ना, ये नहीं तो ये है ही ऐसे, अच्छा तभी तो ड्रामे ऐसे करती है, तभी तो ये रोल मिलते हैं, तभी तो ये रोल। अच्छा, हम बहुओं को तो वैसे पहले मशवरा देते थे कि भाई आपने बेटा 2 साल या 3 साल ना आपने बिल्कुल सब्र से चुप करके गुजारने, उसके बाद आप देखें चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। पहले से हथियार, अब तो हथियार दे के भेजा जाता है कि जाओ पहले दिन लसन को बमबारी शुरू कर दो पहले दिन से ही, तो अब ये होता है कि जी सुननी नहीं है बेटा, मतलब देखो हक बात पे ना मतलब अड़े रहना, दबना नहीं, अगर एक दफा दब गई तो फिर सारी जिंदगी दबी रहोगी। और पहले कहते थे कि नहीं बेटा नहीं, वो उस हक बात पे भी ना तो जरा खामोश रहनी, तो अब आपको क्या लगता है कि अब कितनी चेंजेस सासों को भी अब करनी पड़ रही है, क्योंकि वाकई ऐसी चीज है कि एक आपके पास फोन है और अगर आपका दिमाग खराब हुआ और आपने फोन पे लोगों के सामने घर का तमाशा बना रहा, तो बेचारी सासों को भी फिर कितना वो करना चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये सोशल मीडिया पे जो भी है अपने घर की चार दीवारी में बात रखनी चाहिए। सोशल मीडिया पे करके क्या करना है, मतलब उस गुस्से में कि बहू के साथ ये हो जाएगा तो फिर वो उसका आपके लिए मसला आपके लिए बनेगा। जो लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं कि अब सोशल मीडिया पे बहू ने डाल दिया सास के खिलाफ, तो अब सास अपनी अपने आप को क्लियर तो करेगी ना, बिल्कुल हाँ। लाजमी अव्वल डालना क्यों चाहिए, हर चीज अपने आपके मियाँ ने कुछ किया है, आपके आपने फौरन अपने मियाँ के खिलाफ वो चीज भी डाल दी तो फिर ये तो बहुत गलत बात है कि आप मियाँ को भी लोगों के सामने बन जाता है। अपने घर की बात अपनी चार दीवारी में रखें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, बजाय कि झगड़ा बढ़े उसको सॉल्व करें, सास के साथ सॉल्व करें, शौहर के साथ सॉल्व करें, और कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, हर चीज का एक कहते हैं ना गुफ्तगू से हल निकलते हैं, हमारे यहाँ मिल बैठ कर बात करने से कतराते हैं, बातचीत से खत्म हो गया ना रुझान। वो ये होता है कि अपनी माँ को इन्वॉल्व कर लेती हैं, और बहुत से घर मैंने इस तरह के देखे हैं मदीहा, कि माँ ने घर खराब कर दिया,